दोस्तों, आज मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ उसको सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि खराब मूड के साथ भी हो सकता है अच्छा काम। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, खराब मूड के साथ भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छे मूड के साथ तो हम सभी उत्साहपूर्वक काम करते हैं, लेकिन खराब मूड में ज्यादा अच्छा काम हो सकता है। सुख और दुख हर एक के जीवन में आते रहते हैं, लेकिन उसका ध्यान कैसे रखें, उसको हैंडल कैसे करें, वो व्यक्ति के हाथ में होता है। जब महिलाएं खुश होती है तो खुशी से हर काम कर लेती है, पर जो कोई खराब घटना हुई हो या प्रॉब्लम हुआ हो तो उनका मूड खराब हो जाता है। पुरुष उनका गुस्सा दिखा सकता है, लेकिन महिलाएं संयुक्त परिवार में रहती हो और साथ में नौकरी भी करती हो तो खुद के मन की बात या गुस्से को लगभग प्रकट नहीं कर सकती। उस समय किसी भी कार्य की बात हो तो वो कहेंगी अभी मूड नहीं है। महिलाओं का मूड ऑफिस में खराब हुआ हो या घर पे, दोनों ही जगह उन्हें अपने काम अच्छे से करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आप महिला हो या पुरुष, आप अपने खराब मूड के साथ अच्छा काम कर ही सकते हैं। और खराब मूड के कारण जो हमें 3 फायदे होते हैं वो हम आगे वीडियो में देखेंगे। कुछ लोग खराब मूड को गंभीर बीमारी मानते हैं। मनोवैज्ञानिक के निष्कर्षों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि खराब मूड हो तब व्यक्ति ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि उस समय वो गंभीर विचारों में होता है, ज्यादा केयरफुल होते हैं और उस समय आई हुई उदासी ज्यादा फायदा कारक बन सकती है। साइंटिफिक रिसर्च के अहवाल अनुसार खराब मूड होता है, बाकी तो इस प्रकार के मूड में व्यक्ति ऊंडे विचार से विस्तृत विचार करता होता है। इस व्यक्ति के सामने अच्छे मूड में रहने वाले लोग अपने अच्छे मूड और आनंद की वजह से कोई भी बात को गहराई से सोच नहीं सकते। साबित हुआ है कि उदासी और नेगेटिव मूड बहुत फायदा कारक होता है। खराब मूड के फायदे जाने उससे पहले हम जान लेते हैं कि उदासी और खराब मूड है क्या। उदासी हर एक व्यक्ति की भावनाएं, अपना व्यवहार, मूड और अनुभूतियों को प्रभावित करने वाली परिस्थिति से विकसित होती है। हर एक मानवी को तरह तरह की अनुभूतियां होती है, उसमें डर, गुस्सा, शर्म, द्वेष आदि का समावेश होता है। ये अनुभूतियां ही हमें नुकसान पहुंचाने वाली परिस्थिति की उपेक्षा करना सिखाती है। किंतु एक सत्य यह भी है कि जो ये उदासी लंबे समय तक रहे तो व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है, तब वो नुकसानकारक बनता है। पर कम समय के लिए रहता खराब मूड या उदासी फायदा कारक है। मुश्किली के समय में भी जो हम उदास हो तब उदासी के कारण हर कार्य सहानुभूति, दया, प्रेम की अनुभूति ज्यादा होती है, इसलिए उस समय कोई भी काम उसमें रस लेके करते हैं। दोस्तों, फाइनली हम जान लेते हैं खराब मूड के कारण होते हुए 3 फायदे। नंबर 1, अच्छी याद शक्ति। जिस समय मूड अच्छा न हो तब जो व्यक्ति की पसंदीदा या नापसंदीदा कोई भी बात करे तब उसको ये बातें याद रह जाती हैं। साथ में मूड खराब होने से कोई बात नकारात्मक प्रभाव जल्दी से नहीं होता। नंबर 2, योग्य निर्णय शक्ति। खराब मूड के कारण सच्चा और तटस्थ निर्णय ले सकते हैं। खराब मूड के कारण हम लोगों के व्यवहार को भी ध्यान में रखते हैं और किसी से भी जल्दी से प्रभावित नहीं होते। तो आपने भी ऐसा एक अनुभव किया होगा कि नॉर्मली अगर कोई इंसान आपको चैलेंज देता है कि तू ये नहीं कर सकता, तब हमारे माइंड में ही हम बोल पड़ते हैं कि देख भाई, अब मैं ये कैसे करके दिखाता हूँ। अगर आपने गौर किया हो तो बाद में आप वो काम बहुत ही अच्छी तरीके से खत्म भी करते हैं। तो दोस्तों, होता यह है, खराब मूड में आप कोई भी एक बात पर केंद्रित होते हैं, उससे आपकी सारी एनर्जी उस बात पर लगी हुई होती है। कहने का मतलब, एनर्जी का लेवल हाई होता है। उस समय बात के मूल कारण को समझकर आप अगर पॉजिटिव डिसीजन लेते हैं तो आप उसे पूरा करके ही रहेंगे। नंबर 3, सफल कम्युनिकेशन। खराब मूड हो उस समय वो किसी भी बात को लेकर जागरूक होते हैं, साथ में गंभीरता से सोचकर बोलते हैं, इसीलिए उनका कम्युनिकेशन पावर भी मजबूत होता है और सरलता से खुद की बात रख के मना भी सकते हैं। तो ये बात अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी आपका मूड आपको खराब लगे तब इतना समझ ही लेना कि अब आप कोई भी काम पूरी एनर्जी के साथ कर सकते हैं। मूड खराब हो तो यह सोचने की कोशिश कीजिए कि खराब मूड का कारण क्या हो सकता है, वह जानने के बाद वही मूड के साथ एक अच्छा सा निर्णय लीजिए और खराब मूड में भी कर दीजिए एक अच्छा काम। तो दोस्तों, यह थे खराब मूड के कारण होने वाले फायदे। अगर आप खराब मूड को अच्छे मूड में लाने के लिए कुछ टिप्स जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप टिप्स नहीं जानते और जानना चाहते हैं तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें और वीडियो को शेयर करें। मेरे रेगुलर अपडेट्स आप तक आते रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। Thanks for watching. Subscribe this channel.
नो बेटर लिव बेटर।